तो हरियाणा विधानसभा में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सूचित किया जा रहा है। नए निर्देशों के मुताबिक सत्र में हिस्सा लेने वाले विधायकों और अधिकारियों को कम से कम यहां वैक्सीन की एक डोज लेनी होगी, जो जरूरी है, अनिवार्य है। जो किन्हीं भी कारणों से 17 दिसंबर तक इंजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे उन्हें कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, जिस तरीके से यहाँ पर शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने वाले विधायक और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया आपकी ओर से कि एक वैक्सीनेशन की डोज लेनी ही होगी और जो 17 दिसंबर तक नहीं लगवा पाएगा उसे आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस प्रकार से अब ये कोरोना अभी गया नहीं है और नया वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए हमें आज ये प्रिकॉशंस लेने की बहुत आवश्यकता है। हम इसको लाइटली ना लें। बिल्कुल। और हमने तो केवल ये कहा है कि फर्स्ट डोज जो है वो बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे देश में बहुत सारे सभी तकरीबन सभी लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई है जी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी भी आई है कि कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हमारे हैं उन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है और इस जो नए वेरिएंट को रोकने के लिए भी और कोरोना को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अभी जो MHA की गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से उनका पूरी तरह से पालन करें। और इसी चीज को देखते हुए हमने अब की बार भी ये तय किया है कि जो आने वाला शरदकालीन सत्र है जी वो उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई हुई है। और जो 2 गज की दूरी, मास्क पहन करके आना और ये हाथ धो करके और ये जो सभी प्रकार की जो प्रिकॉशंस हैं और हमने जो विधानसभा के अंदर जो बैठने की भी व्यवस्था की हुई है अब की बार भी वो वही रहेगी जो पिछले सत्र के अंदर थी, अर्थात के 2 गज की दूरी के ऊपर ही हमारे विधायक बैठ करके पिछले सत्र के अंदर भाग ले सकेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सभी से निवेदन किया है कि कम से कम पहली डोज जो है वो लगवा करके ही आए ताकि किसी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, जो खुद यहां पर जानकारी देते हुए नजर आए कि पहली डोज लगवानी आपके लिए बेहद जरूरी है और यह अनिवार्य कर दी गई है तमाम यहां पर अधिकारियों के लिए, तमाम नेता, तमाम मंत्रियों के लिए।